अरे भाई फटाफट से केक ले आओ, केक काटे पापा का, आज पापा का जन्म दिवस है भाई। यू हैव ऑलवेज बीन माई हीरो, आई एम सो लक्की टू हैव योर लव एंड गाइडेंस इन माई लाइफ। यू हैव शोन मी स्ट्रेंथ इज इंट ऑल अबाउट द मसल्स, इट्स ऑलवेज। दे भाई मेरे बापू का यार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। सो इट्स अ न्यू डे, अ न्यू मॉर्निंग, एंड टुडे इट्स अ वेरी स्पेशल डे अगेन मेरे लिए, क्योंकि आज मेरे फादर का 60th बर्थडे है। सो इट्स द 60th बर्थडे ऑफ माई फादर, एंड मैं आज ये पूरा ब्लॉग उनको डेडिकेट करना चाहूँगा, बिकॉज उनका जो हार्डवर्क था मेरे लिए, इट वॉज रियली अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर मी एज वेल। क्योंकि मैंने खुद, या आप सबके घर में भी आपके फादर हैं राइट, सो आप सब ने भी देखा होगा कि कैसे हमारे घर वाले अपनी इच्छाएं मार मार के हमारे को बड़ा करते हैं, हमारे को हमारी इच्छाएं पूरी कराते हैं, बेसिकली हमारी नीड्स पूरी कराते हैं। सो एक व्लॉग तो उनको मेरी तरफ से बनता है, क्योंकि इट्स रियली अ सैड थिंग कि कैसे पता भी नहीं चलता कि कब आपके पेरेंट्स इतने ओल्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी एज इंक्रीज होनी स्टार्ट बढ़ जाती है बेसिकली राइट। तो इट्स अ स्पेशल डे फॉर मी एंड माई फैमिली, बिकॉज द पर्सन जिसने हम सबको आज इस मुकाम पे पहुंचाया है, ही इज नाउ टर्निंग टू 60, एंड इट्स रियली इमोशनल फॉर मी, बिकॉज जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, मेरे आई मीन इट्स मेरे लिए भी वो अच्छी चीज़ है, बिकॉज अब गोइंग फॉरवर्ड जो आज तक उन्होंने मुझे सिखाया है वो मैं आगे पूरा करूँ। तो अभी फटाफट से वैसे रेडी होते हैं, क्योंकि मेरा एक सर्विस कैंप है, मुझे निकलना है। चलते हैं नहाने फटाफट, क्योंकि मुझे निकलना है अपने सर्विस कैंप पे, और इसके बाद आते हैं वापस और कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। तो बने रहिए आज के व्लॉग ऑल रेडी, एंड अभी निकलते हैं अपने सर्विस कैंप पे जो कि हमारे कस्टमर प्लेस पे है। भाई एक तो ना ये जो लिफ्ट का वेट करने वाला प्रोसेस है ना भाई, ये भी बहुत हेट करता हूँ। एक तो ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, ऊपर से अब लिफ्ट का वेट करो ना। NCR की जो लाइफ है ना भाई, बहुत स्ट्रगलिंग है भाई, कसम से हर जगह स्ट्रगल भाई। 5 मिनट तो आने में लगाती है, तो फटाफट निकलते हैं यार, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब आज तो एक्सट्रीम लेट हो चुका हूँ। बस फटाफट लिफ्ट नीचे पहुँचे, अब हम लिफ्ट में आ चुके हैं ऑलरेडी। तो आज मैं जा रहा हूँ बाइक पे, आज करेंगे बाइक की सवारी, और आज मैं बहुत खुश हूँ यार, मतलब मेरे फादर का 60th बर्थडे है भाई, इट्स रियली अ बिग अचीवमेंट फॉर माय फादर आल्सो एंड मी एज वेल। तो आज करेंगे कुछ छोटा सा सेलिब्रेट, क्योंकि यार पापा के बर्थडे पे इतना तो बनता ही है ना, तो इट्स माय फादर्स डे। तो गाइस इट्स वी आर ऑल सेट, तो अभी निकलते हैं फटाफट अपने साइड पे और आते हैं जल्दी, डुक डुक देखो देखो। सो गाइस मेरे को ये लग रहा था दूर से देख के कि कहीं मैं पहाड़ी वाले एरिया पे आ गया हूँ, नोएडा NCR के पास, लेकिन भाई ये पहाड़ नहीं है भाई, ये पहाड़ नहीं है, ये कूड़ा है कूड़ा। जब पास आके देखा तो बदबू आई भाई, मतलब इतना गंदा कूड़ा है यहाँ पे, तो मतलब भाई बहुत ही बकवास। तो गाइज ये है असलियत यहाँ के पहाड़ों की, ये है दिल्ली NCR के पहाड़, जो कि फूल पत्तों के पहाड़ नहीं है, कूड़ा, इट्स अ गार्बेज माउंटेन ब्रो, मतलब इतने कूड़ा भाई, मुझे लग रहा है पूरी दिल्ली का कूड़ा यहाँ पे आ गया भाई। मतलब दिल्ली में भी मैंने देखा है वजीराबाद के आसपास, लेकिन गुड़गांव के आसपास देखना इसको बहुत मेरे लिए शॉकिंग था, मुझे नहीं पता था, ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। तो गाइस अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो कूड़ा। मैं आ गया हूँ वापस अपने सर्विस कैंप से, और आज है सेलिब्रेशन का दिन, क्योंकि आज है मेरे पापा का 60th बर्थडे, और साथ में हम करेंगे थोड़ा छोटा मोटा, चाय निकल जाएगी, अभी हो गया था पापा का बर्थडे। तो गाइस आज पूरा व्लॉग पापा के नाम, और अभी भाई मैं वापस तो आ गया, लेकिन हालत ख़राब है, क्योंकि गुड़गांव से आज सुबह अप डाउन करूँ, तो
आज हालत खराब है भाई। तो बाकी आज करेंगे पार्टी, आज होगी पार्टी। तो पापा वी लव यू एंड बर्थडे टू यू। ये डाल लूं मैं, ये डाल लूं। तो हम तो ऐसे ही गाएंगे ना, ऐसे ही तो कन्वे होगा भाई तरफ से। गाओ फिर से गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, विश यू 100 इयर्स ऑफ लाइफ, विश यू 100 इयर्स ऑफ लाइफ। क्या प्लान करना है फिर आज? केक पापा यार कुछ प्लान ही नहीं कर रही यार, ये आपके लिए यार। पापा क्या है फिर आज? क्या हम भी केक लाते हैं पापा के लिए? आज पापा के लिए हम केक काटेंगे और आज कुछ अच्छा सा खाना बनाते हैं यार। लौकी तोरी बनाए, पापा की फेवरेट। भाई तू लौकी तोरी खिलाओगी क्या आज? पापा की फेवरेट है वो। पापा की फेवरेट है तो क्या लौकी तोरी खिलाओगी आज? पापा का फेवरेट, पापा की तो फेवरेट। मैंने क्या खाया? अबे भाई तुमसे जो मैं पूछ रहा हूँ तो यार वो नहीं बताएगी, अपनी अपनी। तो गाइस पापा का केक कर दिया हमने ऑर्डर और अब आएगा पापा आज का केक। आज कटेगा सेलिब्रेशंस के उसमें केक। तो गाइस अब मैं फटाफट से बस तैयार हो जाता हूँ क्योंकि अब सेलिब्रेट करेंगे पापा का अपना बर्थडे। तो पापा अभी हो गए हैं 60 साल के और अभी हैं गबरू जवान। तो मैं हो गया हूँ रेडी and now it's time to cut the cake, so happy birthday to you papa, and अब काटते हैं फटाफट से केक क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हैं यार, और इससे ज़्यादा लेट हुए कि कल का दिन आ जाए तो it will not look good। फटाफट से अब काटते हैं केक भाई। बाकी तो आज बन रहा है खाने में पापा का फेवरेट पनीर की भुर्जी। पहले तो हम सोच रहे थे कि लौकी या तोरी बना लेते हैं क्योंकि उनके आजकल फेवरेट ही है, जस्ट बिकॉज उनको वो प्रिकॉशंस लेते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, राइट। एंड मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने पापा से मैं सीखता हूँ जस्ट बिकॉज वो मेरे हमेशा से आइडल रहे हैं। एंड टुडे जैसे कि उनका 60th बर्थडे है तो मैं खुद बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज आई एम रियली प्राउड ऑफ माई फादर। सो अभी फटाफट से केक कटते हैं एंड वील मेक हिम स्माइल। हम उनको भी वीडियो कॉल करेंगे, उनको पता नहीं है कि हमने केक मंगाया हुआ है, लेकिन अब उनको वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो कॉल पे फटाफट से उनको विश करके उनके लिए केक काट के एंड उनको एक स्माइल देते हैं चेहरे पे। इस अभी मेरी बीवी बहुत मेहनत कर रही है भाई, आज दिल से बना रही है पनीर की भुर्जी। तो गाइस सी, मैं हमेशा दिल से बनाती। दिल से तो आप बनाते ही हो, वो तो सब चीज़ें बनाते हो आप दिल से। तो गाइस आज खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है तो मैंने सोचा कि अभी पापा को कॉल करने में 5 मिनट हैं क्योंकि अभी ये रेडी कर रही थी पनीर, तो इतने आपको दिखा दूं कि क्या कर रही है मेरी बीवी। खिलाती पिलाती रहती है मुझे बढ़िया, ये बात तो है, मानना पड़ेगा भाई इस बात पर। टेस्टी टेस्टी खिलाती है। फटाफट से काटते हैं केक बिना किसी वेट करे और करते हैं उन्हें वीडियो कॉल। अरे भाई फटाफट से केक ले आओ, केक काटे पापा का, आज पापा का जन्म दिवस है भाई। जो पहले जो तुमने फैलाया है उस सबको अंदर। क्या फैलाया है? मैं तुम्हारा फैलाया हुआ नहीं। यार यहाँ केक काटने की बात हो रही है, ये फैलावट की बात कर रही है यार। फटाफट से केक काटो यार, मैंने वहाँ पे रेडी कर दी है यार चीजें यार। बैठते हैं फटाफट, कॉल करते हैं, केक काटते हैं यार। कहते हैं कि थोड़े मैनेज्ड वे में रहना चाहिए इंसान को, जो चीज जहाँ से उठाई है। गाइस मैनेज्ड वे में रह लेंगे, पहले सेलिब्रेट कर लेते हैं ना यार। गाइस यार कहते होंगे लड़की बेचारी हमेशा किचन में ही खड़ी रहती है। ओ भाई इतना बता दो भाई, कमेंट्स में बता दो कि ये किचन में खड़ी रहती है या बेड पे लेटी रहती है। एक्सक्यूज मी गाइस, एक्सक्यूज मी, तुम लोगों ने व्लॉग में मुझे कहाँ देखा है? मैक्सिमम किचन देखा ही नहीं है भाई, देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है तुम्हें। देखा कहाँ? देखा नहीं है किसी ने, सुना है बस, और वो लेटे लेटे सुना है जब तुम लेटे हुए बोलती हो। भाई ये पूरे दिन लेटी रहती है, कह रही मैनेज वे में चलो। गाइस अगर मैं लेटूंगी तो कुशल का पेट कौन भरेगा? ये भी पूछ लो, खाना कुशल बनाता है क्या? भाई दिन में 24 घंटे हो गए, ठीक है, हो गए ठीक है। सुबह 1 घंटे के लिए खड़ी रहती है मेरे को खिलाने के लिए, दोपहर में मैं होता नहीं क्योंकि ऑफिस होता है मेरा, रात को 1 घंटे के लिए इसमें रहती है। आती है मैं फुप्पी, फुप्पी आवे, फुप्पी फुप्पी आती है साफ करने घर को, फुप्पी 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 ना आवे हमारी यहाँ घर साफ करने, तो करती हो तुम ही, लेकिन मैक्सिमम टाइम भैया सोती है। मैं बता रहा भाई, सच बता रहा, मैं पड़ी रह यूं खाया पिया। अगर ये तुमने ब्लॉग में डाला ये डलेगा, तो बिल्कुल नहीं पड़ती हूँ भाई, डलेगा ये। तुम करते हो जहाँ भाई, केक काटते हैं यार फटाफट यार। तुम लो लाइट भी गई, लो भाई लो,
लो गाइस लाइट चले गई, बताओ। बट आ भी गई यार, फटाफट केक काटते हैं नेहा यार, इट्स रियली लेट नाउ। मेरी चीज़ें यार, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ठीक है यार, तो फटाफट से केक तो काटते हैं यार, तुमने तो मतलब हद मचा रखी है यार, तुमने मचा रखी है मेरे को हद मचा यार। मैंने वहाँ चीजें तैयार कर दिया, तुम केक तो लेकर आ जाओ, मैं अपने गाइस को मैं दिखा तो दूं कि भाई केक कितना सोना आया है, फटाफट हूं छेती छेती करी, छेती छेती लाओ गाइस, छेती 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 छेती, और टाइम ना हैगा, गाड़ी नीमची कराई, टायर घूम दे तेरे शहर घूम दे, टायर तो घूम दे तो शहर भी घूम दे गाइस। सो आई एम रियली हैप्पी, सो एक्साइटेड, मतलब फर्स्ट टाइम मेरे को बहुत अलग खुशी है अपने पापा के बर्थडे की, डोंट नो व्हाई बट इट्स रियली गुड टू सी माय फादर ग्रोइंग। मैं बहुत चीज़ें हैं जो मैं उनसे सीखता हूँ, शायद अगर वो मेरे को अपने छोटे बचपन टाइम पे ना डांटते तो शायद मैं आज इस पोजीशन पे होता भी ना। तो भाई अब मेरे को सुनते ही रहोगी या फटाफट से अपना केक रेडी करो। सो गाइस केक आ चुका है यहाँ पे एंड अब होगी केक कटिंग सेरेमनी छोटी सी, बट भाई पापा का बर्थडे है हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है भाई, तो खोलो इसे फटाफट, खोलो यार। सो गाइस दिस इज द केक, चलो निकालो इसे फटाफट निकालो। अब इसमें फटाफट से हम करते हैं केक को तैयार, थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं यार, क्योंकि बर्थडे है भाई मेरे बापू का यार। चलो गाइस, तो गाइस नाउ इट्स टाइम, तो करते हैं अब घर पे कॉल, तो फटाफट से मिलाता हूँ कॉल अपनी बहन को, तो लेट्स सी, उनको पता नहीं है कि यहाँ पे हमने ये सब कर रखा है। हाय, हेलो, वन नेटवर्क इशू रहता है। हेलो, पापा के पास लेके, पापा कहाँ हैं? अपने रूम नहीं, पापा पूजा कर रहे हैं। अबे यार उनके लिए केक ला रखे हैं हम यहाँ पे काटने के लिए। अबे आगे शायद आगे, मैंने मम्मी के फोन से रिपेयर कर रही, मेरा फोन में नेटवर्क, जल्दी हमें फुमारनी है। तो गाइज अभी बहन वापस कर रही है कॉल क्योंकि उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो मम्मी के फोन से कॉल कर रही है और अभी पापा के लिए काटते हैं केक। फटाफट हो जाओ रेडी, आज तो पिताजी का केक कटेगा, चाकू तो दे दो चाबी। हाँ जी पापा, हाँ जी, तो भाई लो, तो पापा हैप्पी बर्थडे। सो अब काटते हैं, तो काटते हैं पापा, फूक तो मारो, फूक मार दो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई ये ट्रूफल मंगाया था, ये ट्रूफल तो नहीं है, लो पापा। ये ट्रफल, लो पापा हैप्पी बर्थडे, ओके बढ़िया एक नंबर। और मैडम कहाँ है? मैडम वीडियो बना रही है, हमारा व्लॉग बना रही है, बढ़िया एकदम। उसे ड्यूटी पे लगा रखा? वो ड्यूटी पे है पूरी। चलो ठीक है, बाय, ठीक है, ओके। तो भाई काट लिया केक, अब पापा भी खुश हो गए, उनको भी एक स्माइल आ गई, तो यही छोटी छोटी खुशियां होती हैं यार जो घर वालों को भी खुश रखती हैं, राइट। तो जितने भी लोग हैं ऐसे ही अपने घर वालों के साथ खुशी बनाए रहें, और जितना आप यार उनके साथ गुलों मिलोगे ना तो वो भी खुश होते हैं, क्योंकि एट दी एंड आप उनके बच्चे हैं, राइट, एंड हम भी मतलब किसी के उनके ही बच्चे हैं। तो मज़ा आया केक काट के, केक टेस्टी भी था काफ़ी, एंड पापा की एक स्माइल भी हमने देख ली, क्योंकि आज सुबह से मम्मी भी कह रही थी कि पापा थोड़े से सैड सैड से हैं, अब वो हो गए हैं 60 साल के, लेकिन स्टिल मैं उनको कहूँगा कि वो 24 साल के हैं आज भी, क्योंकि उनके अंदर का जो एक बचपना है वो हम सबको पता है, मतलब जो मेरे घर में रहते हैं, तो वो बचपना मैं चाहूँगा कि वो हमेशा उनके अंदर बरकरार रहे। और बाकी यार पापा आप जवान हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी भी 24 साल के ही हो, और ऐसा नहीं है कि अगर आप आज 60 साल के हो गए तो आप
बिल्कुल ओल्ड हो गए हो, आज भी यंग हो, तो एज इज जस्ट अ नंबर पापा, डोंट बी सैड। बाकी अभी आ रहे हैं जल्दी हम देहरादून। आप मैं आज अपने पापा के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। जब इतना हमने आज सेलिब्रेट कर ही लिया है तो मेरे अंदर से भी थोड़ा सा आज लगा कि मेरे दिल से कुछ आवाज़ निकल रही है, तो जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डैड यू हैव ऑलवेज बीन माई हीरो। आई एम सो लक्की टू हैव योर लव एंड गाइडेंस इन माई लाइफ। यू हैव शोन मी स्ट्रेंथ इज इंट ऑल अबाउट द मसल्स, इट्स ऑलवेज अबाउट योर विल पावर एंड हाउ यू थिंक अबाउट द सिचुएशन। आई होप वन डे टू बी हाफ द मैन यू आर। नो मैटर हाउ टॉल आई ग्रो, आई स्टिल लुक अपॉन टू यू। आई लव यू डैड। एंड ये कुछ लाइनें थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी और जो मैं आपसे बोलना चाह रहा था। सो रियली लव यू डैड एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट जो आपने मुझे आज तक दिया है और आगे भी देते जा रहे हो। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं आज तक शायद आपको नहीं बोल पाया, बट मेरे दिल में आपके लिए जो प्यार है वो शायद किसी के लिए नहीं है। आई नो आपने हमेशा मेरे को डांटा, आपने हमेशा मेरे को समझाया चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझाई हैं, जो मैंने अप्लाई भी करी। एंड टू बी ऑनेस्ट हमेशा आपने जो मुझे चीज़ें समझाई हैं वो हमेशा सही निकली। एंड मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा तो कि आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स की सुने, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो अपने एक एक्सपीरियंस से ही बोलते हैं और हमेशा सही बोलते हैं। तो अगर कभी आपको किसी से कोई गाइडेंस लेनी है तो ऑलवेज प्रीफर योर पेरेंट्स टू बी द फर्स्ट वन। तो हमेशा अपने पापा और अपनी मम्मी से सबसे पहले पूछें कि मेरे को ये दिक्कत है पापा, बिकॉज वो आपको जो गाइडेंस देंगे या वो जो आपको समझाएंगे उनसे बेटर शायद कोई नहीं समझा सकता। सो टुडे आई एम ऑल्सो इमोशनल जस्ट बिकॉज इट्स द 60th बर्थडे, बट आई नो दैट माई फादर इज स्ट्रांग एंड यंग टिल नाउ। तो उनको आगे भी हम इसी मूड में रखेंगे। तो पापा आई एम रियली सॉरी अगर मेरे एंड से कभी भी मैंने कुछ गलत किया हो और आपको बहुत बुरा लगा हो, तो आज मैं अपने दिल से सॉरी मानता हूँ एंड आई लव यू अ लॉट। बाकी हमेशा ऐसे ही खुश रहें, क्योंकि आप हमेशा हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। कभी टेंशन मत लेना, क्योंकि अब हम भी आ गए हैं, बाकी मैं हूँ ही आपके साथ हमेशा, और मुझे पता है कि आप मेरे साथ हमेशा रहते हो। तो आई लव यू डैड, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड देर मतलब मैं इतना कुछ बोल सकता हूँ ना कि मैं कभी रुक नहीं सकता। बचपन में मुझे आज भी याद है कि पापा मेरे को कैसे साइकिल सिखाने ले जाते थे, तो वो इतने मन से जाते थे मेरे को साइकिल सिखाने के। उस टाइम पे हम हरिद्वार में रहते थे रेंट पे, तो मेरे पापा वहाँ पे उस टाइम पे पोस्टेड थे, तो वो चीज़ें मुझे आज भी याद हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर कितना टाइम इन्वेस्ट किया है। एंड आई होप कि मैंने उसका 1% भी शायद आपको हमेशा खुश रखने के लिए दिया है कि नहीं दिया है वो तो आप ही बताओगे, बट आई ऑलवेज वॉन्ट कि आप हमेशा खुश रहो। मैं कभी आपको सैड सिचुएशन में नहीं देखना चाहता, ना देख सकता। तो बाकी अब हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं पापा आपसे, क्योंकि अब आप और यंग होते जा रहे हो एंड इतना यंग तो मैं भी नहीं दिखता पापा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा खुश रहें और बढ़िया मज़े मारें और टेंशन ना लें यार, बढ़िया है ज़िंदगी। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि वो तो मुझे मालूम है कि आप सबसे ज़्यादा रखते हो, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली में आप ही हो जो सबके टेस्ट कराते रहते हो। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो मेरे पापा हैं वो इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं कि मैं जब भी यहाँ से देहरादून जाता हूँ अपने जॉब लोकेशन से, तो वो मेरा हमेशा ब्लड टेस्ट करा लेते हैं कि मेरे को कुछ दिक्कत तो नहीं आएंगे। वो घर में मम्मी का भी टेस्ट करवाते रहते हैं, बहन का भी करवाते रहते हैं और अपना तो करवाते ही हैं। मतलब वो हमेशा प्रिकॉशन लेके चलते हैं कि भाई एडवांस में ही पहले टेस्ट करा लो, दिक्कत बाद में आए तो वो ज़्यादा बेकार है। तो भाई मैं उनको तो नहीं, उनसे तो कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ ऑलवेज बी हेल्दी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग डैड। यू आर द बेस्ट इन माई लाइफ। I don't know how to express love more. So thank you for all. So the end, and it was my father's 60th birthday. I made him smile today. So milte hain agle vlog mein guys. And till then please like, share and subscribe my channel. Bina subscribe kare mat jaya karo bhai, mat jaya karo. So this side Kushal signing off and fir se bol raha hu mat jaya karo subscribe kare bina. Baki love you guys and see you.